देश के सबसे बड़े नक्सली मुठभेड़ में घायल एक जवान से मिलने छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम देर रात रायपुर के निजी अस्पताल में पहुंचे। नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल डीआरजी के जवान रामचंद्र यादव से मिलकर डिप्टी सीएम ने उनका हालचाल जाना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली, घायल जवान से घटना की भी पूरी जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, सर्चिंग ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। शाम 5 बजे के बाद बस्तर संभाग के आईजी सुंदरराज पी नारायणपुर और दंतेवाड़ा के एसपी इस मुठभेड़ को लेकर पूरा खुलासा करेंगे। आज तक के नक्सल ऑपरेशन में जो कांकेर में हुआ था उससे भी बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में AK-47 SLR बरामद हुआ, बहुत सारे हथियार बरामद किए गए। उस क्षेत्र में नक्सलियों की कमर टूट गई, पूरी की पूरी कंपनी खत्म हो गई। इस दौरान डिप्टी सीएम ने एक बार फिर नक्सलियों से अपील की और कहा कि वो कहना चाहते हैं सभी को घर वापस लौट आना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छी सरेंडर पॉलिसी के साथ सामने आ रही है, मुख्यधारा पर सभी लौटे। बस्तर और बस्तर का जल, जंगल और जमीन बस्तर वासियों का है। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के मार्ग पर बिछे हुए IED को अब खत्म कर देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।